कैसा लगा गाइस? अ मैन विद हिज फोर डॉटर्स, पोस्टर के साथ फोटो. I hope you like this look, a man with his four daughters. और आपके पास कोई अगर सवाल हो हमारे लिए इससे नितेश जी, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क अस. हाय सर, दिस इज आलोक. सर, पोस्टर आपका जब भी आता है तो कुछ ना कुछ खास कर जाता है. जैसे पिछली फिल्म भी हमने देखी थी, आप रेडियो के साथ थे और इस लुक में इस बार पारिवारिक तरीके से और खासतौर से लड़कियों के ऊपर आपने ये लाइन लिखी है कि हमारी छोरियां चोरों से कम करके. तो इस पोस्टर के पीछे की क्या कहानी थी अगर आप ये थोड़ा बताइए? ये जो है ये एक्चुअली इसको हम बोलते हैं की आर्ट, जो मेन थॉट है हमारी फिल्म का कि एक इंसान है, उसकी चार बेटियां हैं और वो इस बात से बिल्कुल मतलब इस बात से बहुत खुश है कि उसकी चार बेटियां हैं और उसे पूरा गर्व है अपनी बेटियों पे. लिहाजा वो लाइन फिल्म के जरिए एक दफा एक जगह पे ये लाइन आती है, हमारी छोरियां छोरों से कम है. सो इट्स अ स्टोरी अबाउट इट्स वन इमेज टेल्स यू, ये आप बताता है कि जो कहानी का दिल है वो क्या है. सर, अभी आप फारिग हो चुके हैं, आई थिंक बस पोस्ट प्रोडक्शन बचा होगा फिल्म का बाकी. तो शूट करने का जितना भी फेज था, लाइक आप हैवी बॉडी में थे, हां हां, शूटिंग पूरी हो गई हमारी, शूटिंग थैंक गॉड कंप्लीट हो चुकी है. जैसे आपने कहा, मैंने पहले बहुत मोटा हो गया था, वजन बढ़ाया, फिर मैंने घटा के जो यंग पोर्शन है फिल्म में शुरू होती है, एक छोटा सा 10-15% इज यंग, तो वो हम शूट कर चुके हैं और शूटिंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है. एक गाना है जो हम जो फिल्म में शायद ना हो, लेकिन वो एक प्रमोशनल वीडियो है जो हम इस महीने के आखिर में शूट करेंगे, लेकिन वो फिल्म हमारी कंप्लीट. किस लुक को आमिर खुद पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा, अभी जो हमारे सामने हैं, बड़ी बॉडी वाले या कम बॉडी शॉट? एक्चुअली मेरी कोई लुक अभी रही नहीं. किरण जी अक्सर मजाक करती है मेरे साथ कि जिस इंसान से मैंने शादी की 10 साल पहले, वो 10 सालों में उसको इतनी अलग अलग लुक्स हो गई हैं कि मुझे खुद याद नहीं आता कि आपकी ओरिजिनल लुक क्या है. मतलब आप कैसे लगते हो, क्योंकि हर दफ़ा आप किसी ना किसी किरदार में होते हो. और तो एक्चुअली मैं भी भूल गया हूँ, इस वक्त तो मुझे ये अच्छा लगता है, थोड़ा एल्डरली, मोटा, ग्रे हेयर. आई थिंक इट्स अ ग्रेट लुक एंड आई थिंक इट्स रियली गोज विद द फिल्म एंड द कैरेक्टर. किरण जी को, हाँ किरण जी को भी एक्चुअली ये ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो अभी मैं उनको ऐसे लविंगली होल्ड करता हूँ तो वो बोलती है आपकी बॉडी बहुत हार्ड हो गई है, पहले अच्छी सॉफ्ट थी एकदम पिलो की तरह, अभी इतनी हार्ड हो गई है, मुझे मतलब गर्दन दुखती है. मुझे आदत है, मैं बहुत लोगों को जिनको मैं बहुत मेरे अजीज होते हैं, जो जिन्हें मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मेरे बच्चे किरण जी, मैं उनको बहुत जोर से ऐसे पकड़ के सोता हूँ. तो विमेन ऑलवेज लाइक एल्डरली मैन,
अरे यार तो मैं तो बड़ा अंडर लू आजकल यार आपने बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी, हाँ 25 साल से मैं लगा हूँ यार याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा सीक्रेट है यार। Hi Amir, the after there's another film on wrestling that's releasing. Hi Amir here. Yes, sorry. Day after another film on wrestling is releasing, Sultan. Any similarities at all to Dangal that you've noticed? No, not that I've noticed. I mean, there is wrestling which is common, but that way so many films are common. So many films are revenge films. So many films are romantic films. So I think the genre of the film is quite different. The story itself is very different. One aspect of wrestling is common. But Sultan is a film that whatever trailers I've seen and the songs that I've seen, I really love the look of the film. I really love the way the director has, you know, shot the songs and the trailers. It looks like a very exciting film. And I really hope that it's a huge, huge success and breaks all records. That's my wish for the film. Absolutely, and Amir, you're really good friends with Salman Khan, who's in the eye of the storm currently with a comment that he made. I'm sure you've read about it. So, what is your take on it? Well, I feel what, I mean, I'm going by the media reports of what, because I wasn't present when this happened. But as per the media reports, whatever I've read, which quotes him as saying a certain thing, I feel what he said was rather unfortunate. And rather insensitive. That's what I feel. Amir? No, I've not spoken with him. Who am I to advise him? Amir? Recently, Irfan made a statement saying people should introspect instead of during Ramzan fasting. He also said People should introspect Instead of fasting during Ramzan. He also made a statement saying that animals are being slaughtered on the name of Qurbani, basically. And he said, we Muslims have made a mockery of Muharram. So what is your take on that? You know, I feel religion is a very personal issue here. Each one has their own feelings about it. Each one has their own thoughts about it. I have my own. So I don't want to comment about other people's feelings and what they think about. I go with my own heart. You know, I'll have to read the act before I can comment on it. Because until I read the act, I won't be able to really... I know, but I'll have to read the act before, or at least I'll have to read the main parts of it before I can comment. Well, you know, in all our films, hum log hamari koshish ye rehti hai ki hum jitni sachchai se logon ko bataye film ke bare mein. Ab mera young look bhi hai film mein. Hum यंग पोस्टर भी लगा सकते थे कि मैं खड़ा हूँ एकदम यंग दिख रहा हूँ, बॉडी बड़ी अच्छी दिख रही है, बट वो सच्चाई नहीं है फिल्म की कहानी की। सच्चाई ये है कि एक बाप की कहानी है और बाप की चार बेटियाँ हैं, उनके रिश्ते की कहानी है, उनके जर्नी की कहानी है, एक परिवार की कहानी है। इट्स अ फैमिली फिल्म। सो वी आर बीइंग ऑनेस्ट विद आवर मटीरियल। आई थिंक इन ऑल माई फिल्म हमने कोशिश यही की है कि हम अपनी जो फिल्म है वो एक सच्चाई से लोगों के सामने रखें, लिहाजा इसमें भी हमारी वही कोशिश रहेगी। वो तो अभी आप देखते रहिए ना क्या होगा हर चीज में, आप कैसे बता इंडिया में बेटी के कंधों पर अपना सरपंच होने की जिम्मेदारी से ज्यादा बाप के कंधों पर बेटी की सरपंच सिर्फ माँ की नहीं, माँ की भी होती है। आई थिंक हर पेरेंट की जिम्मेदारी है, हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को किस तरह परवरिश दें, क्या सिखाएं, क्या वैल्यूज उनको सिखाएं। तो हमारे यहाँ एक है बेटियाँ की
थिंकिंग बहुत अरसे से है और हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि धीरे धीरे ये चीज़ एकदम से तो पलटने वाली नहीं, धीरे धीरे लोग जो हैं सेंसिटिव हों, उनमें जागरूकता आए और उनमें ये एहसास हो जज्बाती तौर पे, सिर्फ लॉजिकल नहीं लेकिन जज्बाती तौर पे ये एहसास हो कि जो बेटी है वो बेटे से कोई अलग नहीं है, ना कम है। तो ना कम है ना ज्यादा, देयर इज एन इक्वालिटी, देयर शुड बी इक्वालिटी। और आई थिंक ये फिल्म यही कहने की कोशिश करती है, दिस इज द होल थॉट ऑफ दिस फिल्म, दंगल का जो थॉट है वो यही कहता है। ये फिल्म एक्चुअली मेरे लिए इतनी खास इसलिए है कि ना सिर्फ ये एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करती है लेकिन उसके साथ साथ ये सिर्फ एक गर्ल एम्पावरमेंट की कहानी नहीं, ये एक बाप और बेटियों के रिश्ते की कहानी है, ये एक कहानी है ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स, ऑफ कमिंग आउट विक्टोरियस, ऑफ नॉट गिविंग अप। आप किसी चीज को ले तो उसको आप डट के रहें, आप अपना कन्विक्शन कमजोर ना करें, इसे लगान में था। तो इट्स स्टोरी अबाउट, इट्स वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। और सबसे खास बात मुझे इस कहानी की लगी कि जब नितेश जी ने, मुझे याद है नितेश जी और सिर्फ दोनों आए थे और मुझे शुरू में अंदाजा हो गया था कि ये महावीर गीता और बबीता की कहानी है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये भारी भरकम कोई सीरियस बहुत ड्रामेटिक कहानी होगी, बहुत ही जज्बाती कहानी होगी। तो जज्बाती तो है ड्रामेटिक भी है लेकिन इसमें जो ह्यूमर शुरू से ही नितेश जी ने अपने राइटिंग में डाला है उससे मैं बड़ा सरप्राइज हूँ। आई नॉट एक्सपेक्टेड टू लाफ इन द नरेशन ऑफ द स्क्रिप्ट, सो द अमाउंट आई लाफ्ड वाज इक्वल टू द अमाउंट आई यू नो वाज मूव्ड बाय द स्टोरी एंड दैट वाज अ रियली रिफ्रेशिंग थिंग फॉर मी। मुझे बड़ा उस पर मजा आया कि ये कहानी को इन्होंने ऐसे कमाल के तरीके से नरेट किया है नितेश जी ने अपने टीम के साथ, राइटर्स की टीम के साथ, के ये आपको वाकई एक ऐसे जर्नी पे ले जाते हैं जिसमें आपको मजा भी आता है, आप कुछ चीजें समझते भी हैं, आपको आपकी आंखें भी नम होती हैं और आपको इंस्पिरेशन फील होता है। सो आई रियली वांट टू थैंक नितेश जी। अच्छा आप मेरे पास आए क्यों, कोई आप लोग सवाल नहीं पूछ रहे हैं, सब मेरे पीछे पड़ गए। नितेश जी को पूछिए। I think it was almost 100% is what I would say. He is probably the most easygoing star to work with, you know. He would listen to your point of view and the kind of respect he gives to his director, it's immense, you know, the kind of faith. Once he's put his faith in you, I don't think there is anything which stops him from, you know, going all the way to make sure that he lives up to your vision. You can see it out here, the kind of trouble and the pain and risk of health and everything he went through purely because he bought into the vision which we had as a team to portray the way we wanted to portray Mahavir Singh. So I think it's probably the, what can I say, it's like absolute free hand he gives to you. पूरी तैयारी करने में कितना टाइम गया? मेरी जर्नी के बारे में अगर आप पूछेंगे तो फिल्म का कॉन्सेप्चुलाइजेशन से लेकर जब तक फिल्म रिलीज होगी 4 साल हो जाएंगे। आमिर सर को क्यों चुना? आई थिंक जब मैं सिड और रॉनी के साथ था, हम लोगों ने एक्चुअली जब स्क्रिप्ट लिखी थी तो हम लोगों ने किसी भी एक्टर को ध्यान में रख के नहीं लिखी थी, हम लोगों ने बस एक अच्छी कहानी लिखने के उद्देश्य से ये स्क्रिप्ट लिखी थी। आई डोंट नो, 5 सेकंड में ही शायद मैंने आंसर दे दिया। जब स्क्रिप्ट सुनने के बाद सिड और रॉनी जी ने मुझे पूछा था कि आपको अगर कंप्लीट फ्री हैंड देते हैं तो कौन ऐसा एक्टर है जिसके साथ आप ये फिल्म बनाना चाहेंगे, लेट्स फॉरगेट द
reality or you know whether it will happen or not. But I think within 2-3 seconds, मैंने आमिर साहब का नाम बोला था and maybe rightfully so, you know, because he is known to take up one project at a time. He is known to have gone to great lengths to make sure that he lives up to that character. I'm not even getting onto the kind of performance he delivers. You know, so and all those things which were I think there in the back of my mind, you know, before I took out his name in 3 seconds, and then we said we'll try and see if we can give it a shot, whether we can get an appointment with him to go and narrate the film to him. And then we went and narrated it to sir, and then sir took his own time to convince himself. I think he'll be able to tell you much better what convinced him to do it. But he told one thing for sure, that I like it and I would want to do it. Are you guys willing to wait? And our response was that we are willing to wait for 5 years, we are willing to do this film. And that's what.